शहर के पास के ग्राम डोलखेड़ी मलिया निवासी 80 वर्षीय शकुनभाई तिवारी की शुक्रवार को मृत्यु हो गई। वे करोड़ों की जमीन की मालकिन होने के बावजूद जिंदगी के अंतिम पड़ाव में वृद्धाश्रम में रह रही थी। 27 जुलाई 2023 को ग्राम के सरपंच और पुलिस प्रभारी द्वारा गंभीर हालत में वृद्धाश्रम में लाई गई थी, जबकि वृद्धा के पास 100 बीघा जमीन और संपत्ति थी जो उनके करीबी रिश्तेदारों ने उनकी जीते जीत धोखे से अपने नाम करा ली। इसके बावजूद उनके किसी भी परिजन ने वृद्धा की देखभाल और उनका हक दिलाने की जिम्मेदारी नहीं उठाई। यह बुजुर्ग महिला बीमार अवस्था में थी। आश्रम अध्यक्ष इंदिरा शर्मा और वेद प्रकाश शर्मा और उनकी टीम ने आश्रम में उनकी देखरेख की। इस नए कार्य के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं मृत शकुन तिवारी जी और उनके परिजनों और वेद प्रकाश जी को शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने समाज के विषय में सोचते हुए यह एक कदम उठाया है, और हम ये आश्वासन देते हैं कि यह पार्टी सभी चरित्र हमेशा सम्मान से रखा जाएगा। मैं अभी वेद प्रकाश शर्मा, संचालक श्री हरि वृद्धाश्रम। आज श्रीमती शकुन तिवारी जी, माताजी का देहांत होने के बाद विदिशा मेडिकल कॉलेज में देहदान किया गया। उनकी इच्छा थी कि वे उनका शरीर चिकित्सा जगत की शिक्षा के काम आए, और इस अवसर पर उनके अनेक परिजनों को फोन किया जो यहां पर उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन उनका एक भतीजे नारायण शर्मा आए और उन्होंने अपने हाथों से माताजी का देहदान करने में बड़ी भूमिका निभाई।